हेलो गाइस, वेलकम टू कॉर्पोरेट जॉब वाला यूट्यूब चैनल। आज जो डॉक्यूमेंट हम देखने जा रहे हैं वो आर ईवाई की तरफ से। ईवाई अभी दो डिफरेंट रोल्स के लिए हायर कर रही है, एक ऑफ कैंपस हायरिंग है। यहाँ पे आपने डिग्री में कुछ भी किया हो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। आपने यदि बी कॉम एम कॉम या कुछ भी किया हो, यदि आपने बी टेक भी किया हो तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो को फुल वीडियो को देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे समझ में आए। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल कॉर्पोरेट जॉब वालों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे जॉब के बारे में अपडेट मिलता रहे। और यदि आपने कोई टेस्ट एटलेस कॉप को TCS और कैपजेमिनी के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया तो जाके अप्लाई कर दीजिएगा। अभी एक कंपनी से हायरिंग कर रहे हैं, इसके जो लिंक एक्टिव होंगे अभी जाके अप्लाई कर दीजिएगा। और यदि आपने TCS NQT के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया तो जाके अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। TCS अभी 2018 से लेकर 2023 बैच वालों को के लिए हायर कर रहा है TCS NQT के थ्रू, उसको जरूर देखिएगा। चलिए गाइस इस वीडियो को देखते हैं। TCS अभी जो EY हायर कर रहा है वो कर रहा है जावा एंड .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। और यदि आपने जावा यदि आपको आता है या .NET भी आपको पता है, दोनों में से कुछ भी आपको पता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और आपको यदि JavaScript, HTML, XML, JSON, CSS, Bootstrap के बारे में पता है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज होने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा आपको मौका ज़रूर मिलेगा। यदि आपको डेटाबेस में RDBMS, NoSQL के बारे में पता है तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है इस जॉब के लिए। और यदि आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, आपको ये एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पता है या आपके पास कोई Azure सर्टिफिकेट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू मिलता है तो यहाँ पे भी आपके लिए एडवांटेज होने वाला है। और यहाँ पे वो आपके EY क्या ऑफर करेगा ये आपको बता रहा है EY। और ये जो यहाँ पे जो लोकेशन है ये EY इस जॉब रोल के लिए वह है कोच्चि त्रिवेंद्रम में। तो इसको सिंपली जाके यहाँ पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक अपने जीमेल में आपको कंफर्म करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा। आइए देखते हैं सेकेंड रोल के बारे में जो कि EY की तरफ से आ रही है, टैलेंट फैक्ट्री ऑफ कैंपस बेंगलुरु लोकेशन के लिए। ये जो लोकेशन होने वाला है बेंगलुरु लोकेशन के लिए हायर कर रहा है अभी EY। आपको यहाँ पे कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया गया है जैसे कि आपको सपोर्ट कंट्रोलिंग वर्क कैपिटल कैट कंट्रोलिंग फंक्शन एजिस्ट इन सेंट्रल कोऑर्डिनेशन ट्रैकिंग रिपोर्ट्स ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही में आपको कुछ नॉलेज और स्किल्स होना चाहिए जैसे कि डिलीवरी एबिलिटी, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल, रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आप टीम प्लेयर होने चाहिए क्योंकि आप भी जानते हैं किसी भी जॉब में आपके टीम प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी एंड एंथुसिएज्म होना चाहिए आपके अंदर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ओनरशिप और कमिटमेंट होना चाहिए आपके अंदर। MS टूल्स लाइक एक्सेल पावर पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उसका वर्किंग नॉलेज आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपने अपने रिक्रूटमेंट जैसे किया है इसमें कोई भी डिग्री वाले एलिजिबल हैं, आपको कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एलिजिबल हैं वो है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए या बैचलर डिग्री आपके पास, अंडर ग्रेजुएट डिग्री किसी में भी आपका है तो जैसे कि BCom, MCom, BCA, MCA, CA आपका जो भी किया हो आपने यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए भी आप जाके सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। आपका यहाँ पे जाके उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कंफर्म करना होगा, उसके बाद आपको सिंपली एक फॉर्म फिल करना होगा। तो ये था इस वीडियो के लिए, यहीं तक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक